फ्रेंड्स हैव अ वेरी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूँ 11th इकोनॉमिक्स से थर्ड सैम्पलिंग मेथड लेके, और वो सैम्पलिंग मेथड का नाम है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है क्या? एक ऐसी सैम्पलिंग मेथड जिसके अंदर डिफरेंट स्टेटा हैं, डिफरेंट ग्रुप हैं। जी हाँ, जिसके अंदर पॉपुलेशन के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उस को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसके अंदर क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हैं और वो आपस में क्या है, मिक्स्ड अप है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, मिक्स्ड सैंपलिंग। अगर मैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और मिक्स्ड सैंपलिंग को कहूं कि एक ही है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग? दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग इज जनरली एडॉप्टेड व्हेन द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ, जब एक पॉपुलेशन में, या पॉपुलेशन का मतलब है एक ग्रुप ऑफ आइटम्स के अंदर, जी हाँ, जब एक पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप बने हुए हों और उनकी विशेषताएं भी अलग अलग हों, तो ऐसी सैंपलिंग को हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कह देते हैं। स्ट्रेटिफाइड के अंदर होते हैं स्ट्रेटा, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेटा, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप, वो डिफरेंट टाइप्स की करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ऐसे में इनके अंदर जहाँ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन सब में से थोड़ी थोड़ी आइटम्स को लेना होता है, ताकि उस पूरा जो पॉपुलेशन है, वो जो पूरी पॉपुलेशन है, उसको समान रूप से रिप्रेजेंट करने वाला एक सैंपल जो है हम एकत्रित कर सके। जैसा मैंने कहा कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मान लीजिए दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब एक क्लास, एक टोटल पॉपुलेशन में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, और पहला ग्रुप है हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का जिसके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, बेटा ये एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं। और दूसरा एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास क्या रहा, होम साइंस है, ठीक है। हमारे पास 11th क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन इसमें 10th क्लास में 30 बच्चों के पास क्या था, मैथमेटिक्स। 10th में 30 बच्चों के पास मैथमेटिक्स था, और 20 स्टूडेंट्स के पास क्या था, 10th में होम साइंस था। अब यहां से 30 जिनके पास मैथ था, 20 जिनके पास होम साइंस था, इन दोनों को ने मिलकर हमारे पास 11th कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास, हो गए 50 स्टूडेंट्स। अब कुछ आइटमें हमें यहां इस ग्रुप से निकालनी है, 30 मैथमेटिक्स वालों से जो मैथ को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, कुछ आइटमें हमें यहां से निकालनी है होम साइंस से, ताकि वो इस होम साइंस वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके। तो मान लीजिए 5 आइटमें इसमें से निकाली, 7 आइटमें इसमें से निकाली, तो 12 आइटम्स का एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा बेटा, जिसमें दो स्टेटा थे, एक मैथमेटिक का स्टेटा और एक होम साइंस का स्टेटा, अर्थात दो ग्रुप थे। अगर इन दोनों में से समान समान रूप से कुछ आइटमें निकाल लूंगा, तो ये 12 आइटम जो होंगी इस पूरे 50 बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये 12 बच्चों के ऊपर जो हमने किया, ये स्टेटमेंट सैंपलिंग ले ली, ये मिक्स्ड सैंपलिंग ले ली। क्यों? एक ग्रुप मैथ का था, एक ग्रुप होम साइंस का था, दोनों में से कुछ कुछ सैंपल निकाले और एक ग्रुप बना दिया कि 12 बच्चों का जो ये सैंपल है, ये इस पूरी क्लास के अंदर मैथमेटिक्स वाली भी और होम साइंस वाली भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो एक ऐसी सैंपलिंग बेटा जिसके अंदर डिफरेंट स्टेटा है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जी हाँ, 10th में ये दोनों बच्चे मैथ पढ़ रहे थे या होम साइंस पढ़ रहे थे, अब इन दोनों के ग्रुप से जब हमने बच्चे निकाले, तो वो पूरी 11th क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो हाँ, वो इस 50 बच्चों की पॉपुलेशन के अंदर से 12 बच्चों का जो सैंपल होगा, वो इसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकता है। बेटा इस सैंपल के, इस मेथड के जो सैंपलिंग मेथड है, या ये जो मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड है, और इसको, इसके मेरिट क्या है? सबसे पहला मेरिट जो है, इसके अंदर पॉपुलेशन की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स का जो है वो स्टडी कर लिया जाता है। डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट उनकी करेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी कर लेते हैं। दूसरा, ये मेथड सिंपल है और रिलायबल भी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी कुछ स्टूडेंट चुन लिए गए, होम साइंस में से भी कुछ स्टूडेंट चुन लिए गए, इन दोनों को मिला के मिक्स जो है हमने जो है सैंपलिंग कर दी, मिक्स जो है एक ऐसा सैंपल निकाल लिया जो इस पूरी पॉपुलेशन 50 बच्चों की को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसकी डिमेरिट भी है, जहां किसी भी सब्जेक्ट में गुण होते हैं, वहां कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। क्या? इसका लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप मतलब, जी हाँ, जब ग्रुप ज्यादा होते हैं तो वहां प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए इसका लिमिटेड यूज ही हो पाता है। दूसरा, जब क्लासिफिकेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेटर जो है, अगर वो पर्सनल बेस का यूज ज्यादा करने लगे, तो उस समय जो है ये पक्षपात, इम्पार्शियल जो है वो सैंपलिंग बन जाती है, पार्शियल सैंपलिंग बन जाती है, सॉरी। और आगे हम पढ़ने वाले हैं कि स्मॉल पॉपुलेशन के साइज पर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम डिवाइड कैसे करें। अगर ये 50 का था तो 30 और 20 में डिवाइडेड था, अगर वहां केवल 5 बच्चों का ही एक पॉपुलेशन होती 5 की, तो उसमें ग्रुप डिवाइड करना मुश्किल होता। जब पॉपुलेशन का साइज छोटा होता है, तो ग्रुप डिवाइड नहीं हो सकते, डिफरेंस डेटा नहीं बना सकते, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रेयरली हम लोग स्टडी कर पाएंगे। तो इसकी डिमेरिट है, एक तो इसका लिमिटेड यूज है, दूसरा इसमें पर्सनल बेस की संभावनाएं हैं, तीसरा जो है ये जो है स्मॉल टाइप की पॉपुलेशन के अंदर इसमें क्लासिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन करना या बायफिट करना उसको बड़ा ही मुश्किल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो इमीडिएटली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं वाया फोन, और
इसी को आपने रिटर्न में करना है। ऑलरेडी पीडीएफ आपके ग्रुप में भेजा जा चुका है पूरे चैप्टर का, सो यू शुड राइट इन योर नोटबुक एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम हियर यू जस्ट कॉल मी।